નમસ્તે ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? તો હમે ના આયા થા હાર્ટ શેપ હાફ કેજી કેક કા ઓર્ડર, વો ભી ચોકલેટ ફ્લેવર મેં. તો યે જો જિન્હોને કેક બનવાયા થા ના, વો અપની છોટી સી બચ્ચી કો અપને સાથ લેકર આયે થે. તો ઉસ બચ્ચી કી ડિમાન્ડ થી કી મુઝે હાર્ટ શેપ કા કેક હી ચાહિયે. તો ઉસ છોટી સી બચ્ચી કે પાપા કા બર્થડે થા, તો ઇસીલિયે ઉસ બચ્ચી કો ના હાર્ટ શેપ કા કેક ચાહિયે થા. तो हार्ट शेप का केक बनाने के लिए मैंने ना राउंड शेप का ही केक टिन में केक को बेक किया था और मैंने उसका क्रम कोट कर लिया था. अब मैंने वीडियो में दिखाए गए तरीके से ना सर्कल केक में ना बीच में प्लस का मार्क बनाया था और किसी भी एक साइड पे ना मैंने प्लस के मार्क को जोड़ते हुए वी का कट लगाया था और उस कट को लगाया और फिर वहाँ पे से जो स्पॉन्ज निकला ना उसे ऊपर की तरफ जॉइंट कर दिया वीडियो में दिखाए गए तरीके से, ताकि ना हार्ट शेप बन गया. अभी मैं ये फाइनलाइज कर रहा हूँ, उसकी वीडियो तो आप रोज ही मेरे मतलब शॉर्ट्स में देखते ही होंगे, तो आप बोर ना हो जाए इसीलिए मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है. तो फ्रेंड्स, हमें ना सर्कल फॉर्म में जो अगर केक का फाइनलाइजिंग करना होता है ना तो वो इजी पड़ता है, पर हार्ट शेप ना बहुत ही मुश्किल है, बिगिनर्स के लिए तो बहुत मुश्किल. अब मैंने ना हार्ट शेप की हाफ साइड पे ना चॉकलेट गनास को पोर किया है और ड्रिपिंग की डिजाइन बना दी कुछ वीडियो में दिखाए गए तरीके से. मैंने थोड़ा सा थिक गनास लिया है, थोड़ा सा पोरिंग कंसिस्टेंसी वाला, इसीलिए नीचे तक ड्रिप जा रही है और कुछ बीच में अटक रही है. यहाँ पे ना मैंने जस्ट इसके पहले एक केक बनाई थी, तो उसका चॉकलेट फ्रोस्टिंग मैंने इसी पाइपिंग बैग में छोटा सा कट लगा के मैंने उसकी डिज़ाइन बनाई थी. तो ये मेरे पास था तो मैंने इसी से ना ये डिज़ाइन बनाई. पर अगर आप एक नई पाइपिंग बैग लेंगे और उसमें छोटा सा छेद करेंगे ना और जो मतलब मैगी जैसी डिज़ाइन बनती है ना वैसी करेंगे तो ज़्यादा हार्ड शेप आपका निखर के आएगा. मेरा तो यहाँ पे उतना निखर के शायद नहीं आया, क्योंकि मेरी ना जो पाइपिंग बैग का नोज़ल था ना वो कट था ना वो मैंने थोड़ा सा बड़ा हो गया था मुझसे, तो उससे ये ऐसी डिज़ाइन आई. तो मैंने मैनेज करके ना इसे वेव वाली डिज़ाइन बना दी है मैगी जैसे. अब उस छोटी सी बच्ची की ना डिमांड थी, उनकी उसकी मम्मी ने मुझे बोला था कि इसको ना चॉकलेट्स बहुत पसंद है, तो आप केक के ऊपर ना बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स लगा दीजिएगा. तो मैंने खूब सारी चॉकलेट की गार्निशिंग बनाई थी. मेरे पास अलग अलग सिलिकॉन के मोल्ड है, उसमें मैंने चॉकलेट को सेट कर लिया था और उस पर ना गोल्डन डस्ट लगा दी थी, एडिबल डस्ट आती है ना लस्टर डस्ट, वो लगा दी थी. अब मैंने ऊपर तो चार लगाई, अब मेरे पास बच गई थी क्योंकि उसे बहुत पसंद है तो मैंने साइड में भी लगा ही दी. वो छोटी सी बहुत ही क्यूट सी बच्ची आई थी ऑर्डर देने के लिए, तो मैंने ना ये बहुत सारी चॉकलेट उसके लिए लगाई है. और जो चॉकलेट की सिगार रोल्स आती है ना वेफर वाली, वो भी लगा दी क्योंकि उसे वो भी बहुत पसंद थी. तो मेरे पास फॉर्चुनेटली पड़ी थी तो मैंने वो भी लगा दी. तो इसे ना केक का डेकोरेशन में ना निखार आ गया है और वो बहुत अच्छा लग रहा है. अगर ये जो मैगी जैसी डिज़ाइन है थोड़ी सी पतली मैंने होल कट किया होता नई पाइपिंग बैग को लेकर, तो बहुत ज़्यादा अच्छा उठा हुआ था. आप अगर बना रहे हैं तो बहुत छोटा सा छेद कट कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा सा डिज़ाइन निखर के आएगा. तो यहाँ पे हमारी केक ऑलमोस्ट बन ही गई है. हाफ साइड पे ना उन्होंने बोला था कि पापा लिख देना, क्योंकि उस छोटी सी बच्ची के पापा का बर्थडे था. तो मैंने ना कुछ यहाँ पे शुगर स्प्रिंकल्स लगा दी है और पापा नाम लिखना था इसीलिए मैंने पापा नाम भी लिख दिया. यहाँ पे मैं रील्स शूट करना तो भूल गया था क्योंकि जल्दबाजी में बहुत सारे ऑर्डर थे, तो मैंने ना इसके फोटोज़ लिए थे बहुत सारे, तो यहाँ पे मैं वो फोटोज लगा रहा हूँ. हमारी केक यहाँ पे बनके रेडी हो गई है. पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और हाँ, जय भोलेनाथ.